Okay, anyway, guys, for our next performer, can we please have one of my other favorites, Kapil? Happy belated birthday. Thank you. Before I start this poem, I want to say something. As usual, I am a very positive person. I always treat him very positively and appreciatively. Romance, as he always mentioned. This too is that, but before that, I divided this poem into two parts. So I just want to say one prologue. And then I come back to the poem. शीर्षक है आओ जी ले जाओ. आज हमारी मजबूरी ये नहीं, आज हमारी मजबूरी ये है कि लोग वो नहीं रहे जो पहले थे. कहाँ है वो प्यार मोहब्बत इंसानियत शिष्टाचार सहयोग जो कभी दिखता था. कहाँ है वो पहले सी खुशी जो हर चेहरे पर छलकती थी. कहाँ है वो उम्मीद जिसके सहारे हर शख्स जिंदा था. आज हमारी मजबूरी केवल ये नहीं कि हम महंगाई भ्रष्टाचार क्रूरता डर से इतने घिरे हैं जितने कभी ना थे. हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फिश विश्वासघाती अमानव से हो गए हैं जितने कभी ना थे. हमारी मजबूरी केवल इतनी ही नहीं कि यंत्रों के आविष्कार करते करते हम भावहीन मशीन से हो गए हैं जो कभी ना थे. आज हमारी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि हमारा भविष्य वो नहीं दिखता जो कभी दिखता था. कमिंग बैक टू माय पॉइंट, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू व्हाट वी ऑल आर फेसिंग. सो इसका सॉल्यूशन, जस्ट सी दिस, आओ जी ले जरा. मौत से पहले क्यों ओ नादा इंसान इतनी बार मरता है. मौत के लिए तो अभी वक्त पड़ा है, क्यों नहीं तब तक जिंदगी जी लेता है. मुश्किलें तो हर एक पर आती हैं, मगर कोई मुश्किलों में टूट जाता है तो कोई रिकॉर्ड भी तो तोड़ देता है. तो ऐ इंसान, ख्वाब ऐसे सजा के जिए जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, मगर जी इस तरह कि मरना है तुझे आज ही जैसे. अब देखिए जीना कैसे है. एक 90 साल के बुजुर्ग ने मरते वक्त मुझसे कहा, अगर मिल जाए ये जीवन दोबारा जीने को तो मैं और गलतियां करूंगा, परफेक्ट बनने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा. और तजुर्बे करूंगा, पहाड़ चढ़ूंगा, नदियां तैरूंगा, दुनिया घूमूंगा, आइसक्रीमें भी ज्यादा खाऊंगा. मन घड़ंत मुश्किलें जमा करके करने की जगह केवल असली झेलूंगा, क्योंकि मैंने हर घंटा हर मिनट हर पल अपने जीवन का सोच समझ कर समझदारी और संभल कर जिया है. इसीलिए अपने को अधूरा और इस जीवन से बहुत कम पाया है. अब घर मिल जाए जीवन दूजा तो गोल गोल झूलों में झूलता झरनों संग मैं जाऊंगा, सह परिवार बैठकर अधिक वक्त उगते सूरज चांदनी रातों का लुत्फ उठाऊंगा, बच्चों के संग खेल खेल कर बच्चा ही रह जाऊंगा, खुश रहकर केवल खुशियां ही फैलाऊंगा. घर मिल जाए जीवन दूजा, पर अफसोस मिलता ही तो नहीं किसी को ये जीवन दूजा. पर संदेश साफ, खुशियां खोज कर खुश रहना मकसद ना बना ले, खूबसूरती प्यार दोस्ती आजादी बस इन्हें जीवन बना ले. अब खूबसूरती देखिए, खूबसूरत कौन कहलाए जिसके नैन कजरारे होंठ रसीले अदा दीवाना कर जाए, या जिसकी चाल मृग सी चांद सा मुखड़ा, या जिसकी निगाह मदहोश कर जाए. भाई मैं तो कहता हूं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करे वही खूबसूरत. और संगनी ऐसी पाकर हर दुख तुम भूल जाए. प्यार
सुना है प्यार करने वाले कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र बूढ़ी हो जाए मगर मरते मरते जवान ही रहते। पर क्योंकि गिरने से लगता था डर, मैं प्यार में नहीं चॉकलेट में गिरना चाहता। पर पता चला प्यार में गिरना तो आसान होता है, हाँ प्यार में जो थाम ले वैसा मिलना मुश्किल होता है। तो यूं तो इंतजार जिंदगी का सबसे बेकार हिस्सा होता है, जो इंतजार में आनंद दिला दे वैसा कोई मिलना मुश्किल होता है। तो कौन कब तेरे लिए आएगा ये तय वक्त करेगा, कौन तेरी जिंदगी में रह पाएगा ये तेरा दिल तय करेगा, पर कौन तेरे साथ टिक पाएगा ये तेरा रसूख यानी बिहेवियर तय करेगा। इसलिए तू पाक प्यार कर, करता चल, तेरा नसीब खुद ब खुद बन जाए। दोस्ती, दोस्ती हर रिश्ते का आधार होता है, दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। पर दोस्त कौन है ये जान लेना जरूरी होता है, खुशहाली में तो हमारा हर कोई दोस्त होता है, मुश्किलों में ही पता चलता है कौन कौन दोस्त होता है। चढ़ते वक्त भले ना दिखे पर गिरते वक्त तुझे थाम ले वो सच्चा दोस्त होता है, और ऐसा दोस्त मिल जाए जिसे उसी का जीवन आसान होता है। और अंत में आजादी, तन की मन की विचारों की कुछ भी कर गुजरने की आजादी नेमत है, मगर बदलाव और बदलने की आजादी सबसे बड़ी सौगात है। तो अंतिम पंक्तियों में मैं यही कहूंगा कि सुनते आए हैं वक्त बदल जाएगा तेरा, वक्त बदल जाएगा, सच तो ये है उनादा इंसान, बदलना तुझे है तब तेरा वक्त बदल जाएगा। जैसे पूजा पाठ करने से भगवान नहीं बदलता, हाँ पूजा पाठ करने से शायद तू जरूर बदल जाएगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, सबके दिल में बन जाए मेरी जगह, जगह मेरी, जगह मेरी। धन्यवाद।